धार एसपी आदित्य प्रताप सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रुपेश द्विवेदी के निर्देशन में धार क्राइम ब्रांच सोमनावर पुलिस टीम के संयुक्त कार्यवाही ने 5 पेशेवर बदमाशों को पेट्रोल पंप लूटने की योजना बनाते समय धर दबोचा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रुपेश द्विवेदी ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर धार क्राइम ब्रांच और मनावर पुलिस ने बताई गई जगह पर दबिश दी, जहां से हथियार लैस 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से देसी कट्टा, धारदार हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। पकड़े गए आरोपियों में से 2 आरोपी पहले से भी लूट डकैती की घटनाओं को अंजाम दे चुके थे, जिन्हें पकड़ने के लिए धार पुलिस अधीक्षक ने 48,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है और भी कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। 2 आरोपी, एक भूसिंह और एक नूरसिंह, ये 2 आरोपी ऐसे हैं जो मनावर और धर्मपुरी की डकैती में वांटेड थे। 2016 अप्रैल में 2 बड़ी डकैतियां पड़ी थी, मनावर क्षेत्र में एक पड़ी थी और एक धर्मपुरी में हुई थी, जिसमें दोनों वांटेड हैं। एक इसका भाई कलसी है, वो भी अभी फरार है, जिसकी अभी तलाश की जा रही है। और इन दोनों भाइयों के ऊपर 40,000 का इनाम था। इसके अतिरिक्त जो बाकी और जो अपराधी हैं, सबके मिलाकर 48,000 के इनामी बदमाश थे ये। इन सभी को पकड़ा गया है, इनसे पूछताछ की गई है, इनसे पूछताछ में बहुत सारी चीज़ों की जानकारी लगी है। ये इनके 8 स्थायी वारंट भी थे, इनके 8 स्थायी वारंट भी थे जो पेंडिंग थे। धर्मपुरी का जो डकैती का प्रकरण था, जिसमें जो अन्य जो आरोपी पकड़े गए थे, उनको सभी को आजीवन कारावास हो चुका है। केवल ये भूसिंह और कंसिंह, ये 3 फरार थे, जिसमें इनको पकड़ लिए गए हैं। अब इनको वापस मिलने कोशिश किया जाएगा। इस प्रकार से क्राइम ब्रांच और मनावर पुलिस को एक अच्छी सफलता मिली है और एक अच्छी कार्रवाई हुई है।